नेक्स्ट कॉन्ट्रेरी, सी ओ एन टी आर ए आर वाई, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेरी कहते हैं खिलाफ, ठीक है। कॉन्ट्रेरी के सिनोनिम कौन से बनेंगे? डिससिमिलर, डी आई डबल एस आई एम आई एल ए आर, डी आई डबल एस आई एम आई एल ए आर, डिससिमिलर। और कन्फ्लिक्टिंग, सी ओ एन एफ एल आई सी टी आई एन टी, कन्फ्लिक्टिंग। अच्छा जी, इसके उलट भी लिख लेते हैं ताकि हम एक ही बार जो है मीनिंग लिखें। और उलट क्या बन जाएगा? अलाइक, ए एल आई के ई, अलाइक। और सिमिलर, एस आई एम आई एल ए आर। अच्छा जी, डिससिमिलर का मतलब क्या होता है? डिससिमिलर का मतलब होता है जनाब बेजोड़, जिसका जोड़ ही ना हो, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई, जब जोड़ नहीं होगा तो लड़ाई होगी। अलाइक का मतलब क्या होगा? अलाइक का मतलब होता है जनाब यकसा, यानी एक जैसा। और सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता, ठीक हो गया। नेक्स्ट, छह महीने लिखने होते हैं, हमने तीन हमने लिख लिए, चौथा लिख। सी ए एल एम कॉम, सी ए एल एम कॉम, एच ए आर एम ओ एन आई ओ यू एस, हारमोनियस। और इसके साथ आप लिख लें जनाब अन रफल, यू एन आर यू डबल एफ एल ई डी, ठीक है। क्या लिखेंगे? अन रफल, यू एन आर यू डबल एफ एल ई डी, अन रफल। अच्छा जी, इसके जनाब मीनिंग लिख लेते हैं हम, बल्कि उलट भी लिख लेते हैं एक ही बार। एस टी ओ आर एम वाई, एस टी ओ आर एम वाई, स्टॉर्मी। टी यू आर बी एल यू, टी यू आर बी यू एल, बी यू एल ई एन, ट्रूबलेंट, ठीक है। अच्छा जी, पहला लफ्ज है काम। काम का मतलब क्या होता है? पुर सुकून, पुर अमन, ठीक है। हारमोनियस का मतलब होता है हम एंगी, हम एंगी का मतलब क्या होता है? भाईचारे को कहते हैं, जहां पर मोहब्बत प्यार हो। अनरिफ्लेक्टेड का मतलब होता है जनाब, अनरिफ्लेक्टेड का मतलब होता है छम थम जाना, जहां पे जनाब मोहब्बत प्यार होते हैं, हम एंगी होती है, भाईचारा होता है, तो वहां पर जल्दी लड़ाई झगड़ा थम जाता है। स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी। ट्रिबुलेंट का मतलब होता है जनाब धर्म बरम, निजाम धर्म बरम कर देगा, धर्म बरम, ठीक है, धर्म बरम। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं हम। सी ए डबल एल ओ यू एस, कॉल अस, दो रह गए, सी ए डबल एल ओ यू एस, कालस। कालस के बाद लिखें जनाब इनसेंसिटिव, आई एन एस ई एन एस आई टी आई बी, इनसेंसिटिव। और इनड्यूरेट, आई एन डी यू आर ए टी, इनड्यूरेट। उलट लिख लें, काइंड और मर्सीफुल, एम ई आर सी आई एफ यू एल, मर्सीफुल, ठीक है। कालस का मतलब क्या होता है? कालस का मतलब होता है जनाब संग दिल, सख्त बंदा। संग दिल किसको कहते हैं? जो बहुत जालिम है। इनसेंसिटिव का मतलब होता है जनाब जिसके अंदर एहसास ना हो, जो बेहिस हो, यानी एहसास के बगैर बेहिस। इनड्यूरेटेड, इनड्यूरेटेड का मतलब क्या होता है? यानी सख्त कह सकते हैं या गैर मुस्तहकम भी कह सकते हैं, ठीक है। काइंड का मतलब क्या होता है? मेहरबान। मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? रहमदिल।
ठीक है, आखिरी आखिरी मीनिंग ऐड करते हैं फिर मैं वाली मान यूज करूंगा। कैमूफ्ले फ्लैग, सी ए एम सी ए एम ओ यू एफ एल ए एफ एल ए जी कैमूफ्ले सी एल ओ ए के क्लोक और डिसगाइज डी आई एस जी यू आई एस डिसगाइज। इसके उलट भी साथ लिख लेते हैं, एक बार भी नहीं लिखते फिर। उलट के अंदर जनाब एक ही लिखिएगा आर ई वी ई ए रिवील। कैमोफ्लैप का मतलब क्या होता है? कैमोफ्लैप का मतलब होता है जनाब तब्दीली, जैसे वो हम खान साहब कहते थे ना तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई है, तब्दीली। सी एल ओ ए के क्लोक का मतलब होता है पर्दा डालना, पर्दा डालना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जनाब पहले यहाँ कुर्सी पड़ी होती थी, ऊपर पर्दा डाल दिया गया, तब्दीली जगह तब्दील हो गई, पर्दा डाल दिया गया। डिसगाइज का मतलब क्या है? शक्ल बिगाड़ना, शक्ल बिगाड़ना। आर ई वी ई एल रिवील का मतलब होता है राज खोल देना, यानी खोल देना, खोल। एक जगह में पर्दा डाला जा रहा है, दूसरी जगह जनाब उसको खोला जा रहा है। जी जनाब, उम्मीद है कि आपको जो है सही समझ आ गया होगा। मैं वॉल्यूम जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट जो है मुझे बताएंगे, तमाम स्टूडेंट बताएंगे कि जनाब उनको ये समझ आ गया है या नहीं आया, अभी आप बता दें। जी जनाब, वॉल्यूम अनम्यूट कर दिया गया है, बताएंगे। ये समझ आ गया? कोई मीनिंग आपको ना आ रहा हो? जी जनाब, आप में से कोई बंदा जिसको ये मीनिंग समझ आ रहा हो? जी बोले, ये वो कह रही है, ये पीपीएससी में सबसे जो 15 नंबर का सवाल आता है ना, उस 15 में 6-7 नंबर की ये वो कह रही होती है। ठीक है जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी जनाब, आप बोलेंगे नहीं, आपको आवाज क्लियर आ रही है बताइएगा, आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी जी, मैं कंटेंट पे करता हूँ, बाकी लोग बता दें कि आवाज वाइट बोर्ड क्लियर है। तो वो आपके वालियों में मसला है ना, आप अपने वारी में ऊंचा करें या अपने वारी में। आप हैंड देखे मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं, हैंड फ्री लगाया करें हम, हैंड फ्री। ठीक है, बाकी सेट हो जाती है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि छोटी मोटी की कमी है ना, वो मैं रिकॉर्ड भी तो करता हूँ ना, जो जैसे कल रिकॉर्डिंग आई थी, आपको स्क्रीन शॉट आए थे, वो आपकी बातें सारी क्लियर हो गई ना वहां पर। चले यारे वाले म्यूट करें क्या आवाज आप यारे, आप किससे बात कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा जी, कंटेंप्ट का मतलब होता है जिल्लत, बेइज्जती, सी ओ एन टी ई एम पी टी कंटेंप्ट। स्कॉर एस यू आर तहकीर मतलब बेइज्जती करना, डिसरिगार्ड का मतलब किसी बंदे को नजरअंदाज कर देना। एक बंदा आपके पास चाल कर आया, आपने उसको देखा ही नहीं है, तो बेइज्जती फील करेगा। प्रेज तारीफ करना, रिगार्ड लिहाज करना, ही रखना। कंट्राडिक्ट, सी ओ एन टी आर ए डी आई सी टी इनकार करना, अपोज मुखालफत, डिनाई इनकार, अप्रूव मंजूर करना, कन्फर्म पक्का करना। कंट्रेरी का मतलब खिलाफ होता है, डिससिमिलर बेजोड़ होता है, कंफ्लिक्टिंग लड़ाई होता है, अलाइक यकसा होता है, सिमिलर दिल तक होता है। काम पुरसकून यानी पुरमन, हारमोनियस हम हैंगी भाईचारा, अनरफल्ड थम जाना जल्दी, स्टॉर्मी तूफानी, ट्यूबुलेंट धर्म भरम गुस्सा, काला सिंगर संग दिल गालिम, इनसेंसिटिव बे हिस जिसके अंदर एहसास ना हो, इंड्यूरेटेड जो कि सख्त हो, जिसके अंदर जो है वो ना हो जनाब लचक ना हो, काइंड मेहरबान मर्सीफुल रहम। कैमोफ्लैग तब्दीली, क्लॉक पर्दा डालना, डिसगाइज शक्ल बिगाड़ना, रिवील कर रात खोल देना। जी जनाब, समझ आ गई नहीं आई? समझ आ गई नहीं आई? आगे चलो, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा।
चले हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमारा लेक्चर जब भी होगा सबसे पहले हम इंग्लिश वोकैबुलरी लिखेंगे, उसके बाद हम मैथ के चार सवाल करेंगे, चार या पांच, और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कब से स्टूडेंट है जिनको मैथ में मसला आ जाता है, और एक स्टूडेंट था मेरा उसका जनाब वाला नंबर आते थे 70 के ऊपर, लेकिन मैथ का एक सवाल भी नहीं आता था। वो कहते थे मुझे मैथ आती नहीं है सर, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो खैर मैंने उसको जो है मैथ के बेसिक जो है ना बताए, हमारे रिकॉर्ड लेक्चर भी वो भी आपको मिलेंगे, तो उनको मैथ में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना हर सवाल आराम से जो है ना ईजी तरीके से वो कर सकते हैं। असल बात यह है कि आपने मैथ को ना अपने सर पे नहीं चढ़ाना, बल्कि मैथ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और ये देखना है कि ये सवाल जो नहीं आ रहा तो आप मुझे पर्सनल भी कह सकते हैं सर ये सवाल कैसे हुआ है, या हमें कैसे सवाल करना चाहिए, तो आप तो मैं आपको जनाब करा दूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपका जो है मसला मैथ का। सबसे पहले मैं आपकी मैथ की बिल्कुल बेसिक पे आऊँगा, क्योंकि मैथ का पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर के अंदर जनाब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी जनाब, सबसे पहले देखें जी हमारे सामने कुछ नंबर होते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो लोग जनाब वाला देहात के रहने वाले हैं, जिन टाट के स्कूल में पढ़े हुए हैं उनको मैथ अच्छी जानते हैं, जो लोग शहर के रट्टा लगा के आते हैं उनको मैथ का बड़ा मसला होता है। खैर कोई बात नहीं है, किसी किस्म का आप बेफिक्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें जी नेचुरल नंबर क्या होता है, एन ए टी यू आर एन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर जनाब याद रखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सौ। ठीक है, क्या लिखेंगे? सो आम। तो ये जनाब जो है, यानी अगर मैं इसमें ज़ीरो लिखूँ तो ज़ीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि समालस नंबर कौन सा है जनाब, एस एम ए डबल एल ई एस, समालस नंबर कौन सा है भाई? समालस नंबर जो है वो एक बन जाएगा। ठीक है, अब पेपर में सवाल आ जाता है नेचुरल नंबर विच समालस क्या बन जाएगा? एक। नेक्स्ट होल नंबर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर में जीरो आ जाएगा। कैसे भला? ये जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सौ आ, तो हमारे पास समालस नंबर कौन सा होगा? जीरो। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जनाब हमारे सामने प्राइम नंबर, पी आर आई एम ई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जनाब ऐसा नंबर है जिसके ऊपर कोई भी टेबल तकसीम ना हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। अक्सर बंदे कहते हैं जी जो एक पे तकसीम हो या अपने आप पे तकसीम हो, ये इंतहाई गलत फलासफी है। और भाई ये अपने ऊपर तकसीम हो तो वही जवाब, एक पे तकसीम हो तो वही जवाब। आप ये कहोगे भाई जिसके ऊपर कोई भी टेबल यानी कोई भी पहाड़ तकसीम ही ना हो वो जनाब है हमारे पास प्राइम नंबर। आप में से कोई बंदा ये बताए प्राइम नंबर समालस नंबर कौन सा है, या प्राइम नंबर पहला कौन सा? स्टार्ट से हम चले अगर तो एनीवन, पता है किसी को? चले मैं बता दूं। टू जनाब दोस्त है, वेरी गुड। दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन। अब बताएं जनाब इसके ऊपर कोई टेबल तकसीम हो सकता है? नहीं हो सकता। अब अगर मैं ये कहूँ कि बताएं जनाब विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या बनेगा? ये जनाब दो बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट किसी बंदे को समझ ना आई हो तो वो पूछेगा, अगर पूछेगा नहीं तो वो अपने साथ ज्यादा करेगा। और नंबर वन, यार मुझे एक बात, वन का टेबल है भाई, जवाब फॉर नंबर सौ के ऊपर एक तकसीम करो, जवाब तो एक आएगा। ठीक है, एक को सौ पे डिवाइड कर तो वही जवाब आएगा, मतलब इसको तो आप छोड़ देना। अच्छा जी, ओड नंबर क्या? जी जी बताएं। मैं आपको बताऊं कि हैव ओनली टू डिविजन, डिविजन वन एंड इटसेल्फ, यानी अपने आप पे तकसीम हो या एक पे तकसीम हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये एक मतलब है। यहाँ पे मैं उर्दू में लिख देता हूँ, या इंग्लिश में लिख देता हूँ, हैव
ओनली टू डबियर। डबियर का मतलब होता है जो दो तस्लीम हो सकते हैं, कौन कौन से, वन एंड इटसेल्फ। लेकिन मसला पता क्या है भाई, एक पे तस्लीम करो या वो जवाब तो रहता है, इसलिए आपने पता क्या समझना है, आपने ये कहना है कि जिसके ऊपर कोई भी पहाड़ा तकसीम ना हो वो जनाब हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, है आगे चलते हैं। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर वो होता है, अब सॉरी प्राइम नंबर के ऊपर भी बात खत्म नहीं हुई, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, दो से शुरू होता है, एक प्राइम नंबर नहीं है, जीरो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा जी, ओड नंबर, ओड नंबर कहाँ से शुरू होगा, ओड नंबर शुरू होता है जनाब वन से, वन आ गया, थ्री आ गया, फाइव आ गया, सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, क्या लिखेंगे, जिस पर दो तकसीम ना हो, बस क्या कहेंगे, नॉट विजिबल, नॉट डिविजिबल बाई टू, जिसके ऊपर दो तकसीम ना हो वो क्या कहलाता है, वो जनाब हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओड। इसके बाद हम लिखेंगे इवन नंबर, इवन नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ दो पे तकसीम हो, इसके अलावा किसी पे ना हो। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है भाई, पहला इवन नंबर कौन सा है, तो पहला इवन नंबर जीरो है, जीरो, दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, दस, बारह, आगे सौ आठ, तो क्या लिखेंगे, जो सिर्फ दो पर तकसीम हो, जो सिर्फ दो पर तकसीम हो। इवन के बाद जनाब लिखेंगे आप लोग क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रल, आई एन, आई एन टी ई जी ई आर एस, इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर प्लस ऑल द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। क्या डेफिनेशन है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर कौन से हमारे, ये वाला सेट, ठीक है, जीरो से लेकर आगे सारे नंबर, ठीक है, होल नंबर प्लस, प्लस क्या करें, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, ऑफ द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हमारे कौन से, ये वाले, लेकिन इनके साथ माइनस लगा होना चाहिए, तो वो जमा करते हैं हम, तो मतलब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे इंटीजर आ गए। असल बात पता क्या है, मतलब ये है कि हम एक दो तीन जीरो से लेकर एक दो तीन लिखते हैं, उसके साथ जमा हो या प्लस हो तो वो जनाब हमारे इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जनाब लिखिएगा क्या लिखेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर, R E A L, रियल नंबर, रियल नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यूनियन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल एंड, अब रेशनल नंबर क्या होता है, कैन बी रिटन P by Q and P is not equal to zero. अब देखें कि जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं ना, लाइक मैं लिखता हूँ कि A बटा B, P बटा Q, अब ये नंबर जीरो के बराबर हो सकते हैं, कोई कोई नंबर भी नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कैन नॉट बी रिटन, जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सके, P बटा Q, A बटा C या D, इस फॉर्म में ना लिखे गए हों उसको हम इरेशनल कहते हैं। क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी क्यू या ए सी, तो आपने क्या करना है कि इस फॉर्म में वो ना लिखेंगे, तो सिंपल क्या लिखेंगे, ए बी सी फोर, तो इन दोनों का जो मजमू है वो हमारे रियल नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक लफ्स आ जाता है जनाब, कंप्लेक्स नंबर, कंप्लेक्स, कम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट,
नंबर विद इमेजरी पार्ट, उसका जनाब नंबर जो है लाइक दैट, मैं आपको बताऊं मिसाल देता हूं आपको, ए प्लस आई जीरो। अब ये जो टर्म होती है ना, ये मैथ के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब इस सवाल के अंदर जनाब जो जो ए प्लस आई है ना, अब ये ए प्लस बी तो हो सकता है, बी प्लस ए भी हो सकता है, ये आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जो आई लगाया ना, ये बता ये आई किसके बराबर है, आई जनाब कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। यानी आपने ये समझना है कि ऐसा नंबर जो डिफिकल्ट, जो कोई फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब अपना वो क्या कहते हैं जनाब, डिफिकल्ट नंबर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद छोटा सा मैं आपको एक और बात बता दूं, रोमन नंबर तो आपको जानते होंगे, रोमन नंबर ये बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि रोमन नंबर भी पेपर में आ जाते हैं। रोमन नंबर में जनाब जो एक होता है वो कैसे लिखते हैं आप, दो कैसे लिखते हैं, तीन कैसे लिखते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, पता है या नहीं है? अच्छा हाँ, एक जो होता है ना वो इस तरह लिखते हैं, पॉइंट, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, पाँच के बाद ये एक छः, ये जनाब सात, ये जनाब आठ, ये जनाब दस होता है, दस से इधर एक लगा दें तो नौ बन जाता है, और ये दस होता है। ठीक है, अगर हम ग्यारह लिखना चाहते हैं तो ये दस और एक ग्यारह, दस और एक दो बारह, इसी तरह हमारे पास एक्स एक्स जो होता है दस और दस बीस, इक्कीस कैसे लिखेंगे, इक्कीस प्लस प्लस बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं रोमन नंबर। अगर किसी बंदे को फिर भी समझ ना आए तो इसके अंदर आपने याद रखना है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनको वो पेपर में आते रहते हैं। देखिए जी, हमारे सामने लाइक दैट मैं आपको बताऊं कि ये बताइएगा कि रोमन अदद के अंदर, रोमन अदद के अंदर सी किसके बराबर होता है, एनी वन, डी किसके बराबर होता है, एनी वन, सी किसके बराबर होता है, सी जनाब 100 के बराबर होता है, बिल्कुल जवाब दोस्त है। अच्छा जी, डी किसके बराबर होता है, 1000, और इसी तरह एक एम होता है, एम किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर। अच्छा जी, एक होता है सी एम, सी एम, सी मैंने लिखा है इस साइड पे, इस साइड पे लिखा है एम, एम क्या है 1000, इधर से एक मतलब है 100 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा, ये बच जाएगा 949 आ जाएगा, कैसे बनाएगा, चले खैर ये जनाब ऐसे 900 किसकी, सीएम की, नहीं नहीं सीएम के मैं बताता हूँ आपको, इधर हो गया हमारे पास 1000, अगर ये इधर प्लस सी करें तो ये 1100 बन गए, हाँ जी ये 900 बन गए, ठीक है ना, 900 बन गए, यानी अगर आप सीएम लिखते हैं ना, और अगर मैं लिख दूं तो एम सी, तो ये कितना बन जाएगा 1100, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सी प्लस डी, सॉरी सी डी लिख देता हूँ, नहीं नहीं कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है ना, अच्छा यार ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो न करें, कि उसकी वजह ये है कि फिर स्क्रीन ख़राब हो जाती है, जब रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जी आप सही आ रहा है नज़र, आप देखें सही नज़र आ रहा है। चले जनाब, ये थी मैथ की बेसिक जो कि बहुत अहम थी, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये थी मैथ की जो बहुत ही बेसिक जो कि मैंने आपको समझानी थी, और इसके अंदर आपको अच्छी तरह से पता चल गया। तो मैथ के जनाब जो पास्ट पेपर में अब तक बेसिक सवाल पूछे जा चुके हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको जो है इन सवालों में कभी कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जनाब सबसे पहले मैथ के ऊपर सवाल आते हैं और आप लोगों ने उसका जवाब देना है ताकि आपको जो है उसकी समझ आ सके। इसमें ओड मैन आउट है, अच्छा जी सबसे पहले आपको मैं सवाल कराऊँगा ओड मैन आउट, क्या लिखाऊँगा यार, ये वॉल्यूम तो म्यूट कर देंगे, किसका वॉल्यूम ऑन जा रहा है, आपने वॉल्यूम तब ऑन करना है जब आपको कोई बात पूछनी है, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम ऑन होता है तो दूसरे बंदे की तरफ प्रॉब्लम हो जाता है।
हाँ जी, इधर हेडिंग क्या डालेंगे, ओल्ड मैन आउट। ये मैं आपका वॉल्यूम म्यूट करता हूं, आप फिर ऑन कर लेते हैं। तैयब वसीम यार वॉल्यूम म्यूट रखें, चले आप अपने, कुछ नहीं करना, मैंने वॉल्यूम म्यूट कर दिया आपको। अच्छा जी, ओल्ड मैन आउट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल मैं यहां पर लिखता हूं, तैयब मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर आपने वॉल्यूम म्यूट नहीं किया था। सवाल है जनाब 13, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73 एंड 81। जी जनाब, इनमें से कौन सा ऐसा एक लफ्ज ऐसा भी जो दूसरे से मुख्तलिफ है, बताएं जनाब। 13, 41, 43, 71, 43, 61, 71, 73 एंड 81, इन सब में से एक ऐसा वर्ड भी मौजूद है जो बाकी सबसे मुश्किल मुख्तलिफ है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और क्या बताए, 6, 9, 15, 21, 24, 28 और 30। अब देखिए जनाब, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि प्राइम नंबर पढ़ाया, ये सारे प्राइम नंबर है सिवाय इस नंबर के 81 के। तो क्या जवाब दोस्त हो जाएगा, 81 जवाब दोस्त हो जाएगा। जी जनाब, समझ आ गया जवाब, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है, कोई 13 के ऊपर कोई पढ़ा जाता है नहीं जाता, सिर्फ 81 के ऊपर 3 वाला भी जाता है, 27 वाला भी जाता है, ठीक है, और 32 और 27 वाला जा रहा है। तो मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है टेबल जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा, प्राइम नंबर बाकी सारे प्राइम नंबर है, एक नंबर ऐसा जो प्राइम नंबर नहीं है। खैर आगे चलते हैं, इसमें से ओड मैन आउट बताएं जनाब, 6 है, 9 है, 15 है, 21 है, 24 है, 28 है, 30 है। इसका जवाब जनाब 28 जवाब दुरुस्त है। उसकी क्या वजह है कि बाकी सब के ऊपर 3 तकसीम हो रहा है और 3 का टेबल चल रहा है, लेकिन 28 के ऊपर तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है, लिहाजा 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर में सवाल ऐसे ऐसे आते हैं, हम अभी चल रहे हैं बेसिक, हम इंशाल्लाह ताला आप फिर पीपीएससी की जो मॉडल पेपर के अंदर किताब पेपर जो है वो करेंगे। और मैं आप तमाम स्टूडेंट को जो बता दूं कि आज से जो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, वो मॉडल पेपर से शुरू हो रहा है, मॉडल पेपर 2016 से शुरू होंगे और ये 2024 तक जाएंगे, ठीक है। और ये जो असिस्टेंट का पेपर है, ये याद रखिएगा कि कोर्ट में रेट हो रही है या रेट हो गई है पता नहीं, उसके बाद इसका टेस्ट होगा अक्टूबर में जाके, आपको बड़ा टाइम है, अच्छी तरह तैयारी करना है, ठीक है। आज आपको 2016 वाले मॉडल पेपर आएंगे, इसके अंदर जितनी मैथ है ये सारी हम करेंगे, तो लिहाजा बेसिक का तो पहले पता होना चाहिए, भाई रियल नंबर के हैं, इवन नंबर के हैं, ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगला सवाल जनाब करते हैं, नेक्स्ट सवाल ये है कि जनाब सवाल का जी क्या हो रहा है, अच्छा चले कोई बात, आप घबराए नहीं ना, घबराने क्यों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, किसका फार्मूला बताएं, कौन सा साइंसदान ने फार्मूला दिया था, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बताएं, फिर आप घबरा रही कमाल है। जब आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्लास की रिकॉर्डिंग को आगे पीछे कर सकती हो, या वो भी हम सिखा दें, उसको बार बार देखे को समझा देंगे, अच्छा जी। इस सवाल में जनाब बताएं, अपना हमारा पुराना स्टूडेंट मौजूद है क्लास में, अपना क्या नाम है भाई, परिंदे वाले, लाइट चाहिए, अच्छा चले आप देखें, लाइट काम हो गया, अब लाइट काम हो गई है, देखें जी, 54 जवाब दुरुस्त है, क्योंकि बाकी सब पे 5 तस्लीम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर 5 तस्लीम नहीं हो रहा,
ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब, चलें बाकी सवाल ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, मतलब है 10 सवाल हैं टोटल, तो 4 मैंने कर दिए, चौथा मैं कर देता हूँ, बाकी आपने खुद कर दिया। सवाल ये है जनाब के क्वेश्चन नंबर टेन सवाल जनाब बताइएगा 81, 121, 169, 215, 225 के बाद 144 और 196, इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है जो बाकी से मुख्तलिफ है और क्यों? 215 वजह क्या बताएं? हाँ जी देखें कैसे बन रहे हैं, भला 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इसके ऊपर जनाब ये 15 का स्क्वायर, इधर जनाब ये कितना बनेगा 12 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 14 का स्क्वायर, इसके ऊपर कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो 215 जवाब, बाकी सवाल मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा और आपने उसका जवाब देना, ठीक है। चलें जी इस लेक्चर की मैं टेक बना लेता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं वर्ल्ड मैप पे। जो फीमेल अभी आपको समझ नहीं आ रही थी, बताएं आपको कुछ समझ आई? आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने इंटरेस्ट पैदा किया ना, आपको सबसे आसान मैथ लगेगी, लेकिन आपका काम क्या है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको समझाऊं, अगर आपको नहीं भी आ रहा ना, आपने व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज करना कि सर ये आपका ये जो सवाल आपने हल किया है इसमें फलान नंबर कैसे आ गया, मुझे थोड़ा बता दूँ, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है ना, आपका काम है, हमारा काम है आपको रास्ता मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पर टाइम नहीं होता, मैं अपनी अकेडमी की सही मांग में एडवर्टाइजमेंट लगाऊँ, मैं कम स्टूडेंट क्लास में ऐड करता हूँ और उनको डील करता हूँ खुद, ताकि स्टूडेंट रिजल्ट दिए। 4 स्टूडेंट आज जो है सेलेक्ट हुए हैं PPS NTS के थ्रू ना, NTDC नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी में ना उनका इंटरव्यू, मतलब कॉल आई है, वजह क्या है कि नंबर अच्छे हैं उनको कॉल आ गई। तो बात यह है कि अगर आपके अंदर जो है एबिलिटी है तो आप मेरिट पर नौकरी ले सकते हैं। अच्छा जनाब मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड मैप के ऊपर हम बात करेंगे ना, वर्ल्ड मैप के ऊपर जो हम बात करेंगे इसके अंदर हम हमारे पास शुरू से करेंगे, मतलब आप पहला लेक्चर प्रॉपर, कल मैंने जैसे ब्रीफ दिया था ताकि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा उनको ये पता चल सके कि जनाब वर्ल्ड मैप क्या होता है और वर्ल्ड मैप जो है किस तरह पड़ेगा। तो मैप ऑफ द वर्ल्ड मतलब उसके ऊपर कौन कौन सवाल आते रहते हैं और क्या क्या सवाल पड़े जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश करें, ठीक है। जो चीज़ हमने कल पढ़ ली थी उसके अंदर आप जनाब बता दीजिएगा कि आपको समझ आ गई थी या नहीं, एनीवन आप में से किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई उसमें से जो कल मैंने पढ़ा दिया था, आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं जनाब उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जी जनाब ये देखें कि हमारे सामने, अच्छा एक बात का जवाब आप दें, वर्ल्ड मैप में ये जो मैप बनाते हैं नक्शा बनाते हैं ये जरूरी है या थ्योरी जरूरी है? जो थ्योरी होती है प्रैक्टिकली, मतलब जो हम लिखते हैं उसका डिटेल, वो जरूरी है या मैप जरूरी है? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हमारे लिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बेजवाब आप, जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मैप जस्ट एक मैप तो आपका कहीं आना नहीं है ना आपने पढ़ना है, लेकिन मैप को पढ़ने से ये क्या होती है थ्योरी तब तैयार होती है, तो लिहाजा हमने मैप भी पढ़ना है। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उसके अंदर जो चीज़ें रहती हैं हमने उसको सारा कुछ आज जो है क्लियर करेंगे,
तो सबसे पहले हम जनाब पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर बात करेंगे। वर्ल्ड मैप के ऊपर हमने कल आपको ये पता चल गया कि जनाब पाकिस्तान जो है या मतलब है कि एशिया जो है वो कौन सी जगह पे लाइज करता है, पता चल गया या नहीं चला? आप में से किसी बंदे को सब ना पता हो मतलब कल जो हमने पढ़ाया था, अब तो हम शुरू से पढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर हम वहीं से आगे चलते हैं। ज़मीन क्या है? ज़मीन जनाब जियोइड की तरह है। अच्छा जी, ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि हमारे सामने जो है जो मतलब है आपको मैंने सिर्फ बताया था कि दुनिया के जो कॉन्टीनेंट हैं उनकी तरतीब किया है, मैप ओशन जो है उनकी तरतीब किया है। आप में से कोई बंदा ये बताए कि दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन कौन सा है? दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन कौन सा है? ऐसा कोड है जी, तरतीब के लिहाज से जनाब जो मैंने कोड बताया था एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज वो आपने याद कर लिए, आंसिया और आइंसा, आंसिया और आइंसा, ठीक है। चले खैर कोई बात नहीं, जिस स्टूडेंट ने मतलब है कि आज पहले दिन क्लास ले रहे हैं उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल वाला जो हमारा सेमिनार था उसके आखिरी 15-20 मिनट हमने पढ़ाया था वर्ल्ड मैप, जिसमें हमने कॉन्टीनेंट की तरतीब, पॉपुलेशन वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है, एरिया वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है, और हमने ओशन जो है पाँच उसकी कोड के साथ उसकी डायरेक्शन पूरी बता दी थी। दुनिया कैसे है? दुनिया जनाब गोल है, ये हर बंदा इसमें जानता है। दुनिया कैसे है? इसका गोल बनी हुई है ना बिल्कुल। अब ये दुनिया जो गोल है हमारे सामने, तो इसके जनाब हमारे बिल्कुल जो है थोड़ा सही करके बनाए, दुनिया इस तरह क्या है गोल, ठीक है। अंडे की शक्ल और उसकी गोल ही है तकरीबन, ठीक है। और जियो दुनिया जो है ना, दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना वो कल भी मैंने बताया था, GEOID या ओबलेव सफीरियो SPHERIO सफीरियो। तो यानी आपने इन दोनों में से कोई भी MCQ बता सकते हैं, दुनिया की जो शक्ल है वो किस तरह, तो आप इन दोनों में से एक बता सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक सही है, दोनों में से ठीक है, मतलब पेपर में एक ही होगा। अच्छी तरह आपके बिल्कुल सामने कौन सा कौन क्या चीज़ है? आपके बिल्कुल सामने जरा नार है, आपके बैक साइड पर क्या है सॉल्व है, उसके बाद आपके लेफ्ट साइड पर जनाब वेस्ट है, पर आपके राइट साइड पे जनाब क्या? अक्सर हम कहते हैं कि जनाब एक खत इस्तवा हम पढ़ते रहते हैं किताबों के अंदर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन क्या चीज़ है? इक्वेटर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब यह है कि जो दिल में रखी जाए बात, भाई आप इमेजिन कर लो यार ये ऐसा होगा, ठीक है जी होगा ऐसा, तो यानी एक इमेजिनरी लाइन है कि जनाब जो दुनिया को ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करें, कहाँ से शुरू होती है और किस साइड पे आती है? ये शुरू होती है जनाब इधर से मगरब, इधर मगरब से शुरू होती है और इस तरफ जहाँ, ठीक है। पेपर में ये सवाल आता रहता है कि डायरेक्शन क्या है इक्वेटर लाइन की, इक्वेटर लाइन की डायरेक्शन क्या होगी जनाब बताएं, ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है? अभी मैंने लाइन किस तरफ खींची है? वेस्ट टू ईस्ट, ये आपने यहाँ पर तीर का निशान लगा दे, इस तरफ जाना, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट जनाब हमारे सामने इस इक्वेटर लाइन का काम किया है, इक्वेटर लाइन के ऊपर पूरी दुनिया का दर्जा हरारत कैलकुलेट होता है, टेम्परेचर। इस पूरी लाइन के ऊपर सूरज चलता है, आपका एक कदम इधर है एक कदम इधर है, इधर रात है इधर दिन है। जो इक्वेटर लाइन के जितना करीब होगा ना उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, जो दूर होता जाएगा उतनी ज़्यादा मतलब है वो हो जाएगी ठंडक होती जाएगी सर्दी होती जाएगी। इसलिए ये इंटार्कटिका है, यहाँ सारी बर्फ बर्फ है, इधर सारी बर्फ ही बर्फ है, वजह क्या है कि इधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक है। अब जनाब हम आगे चलते हैं, इसी तरह एक लाइन यहां से आती है इस साइड और वो लाइन जनाब यहां पे आती है, उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? नॉर्थ टू साउथ। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस जी जी ये इक्वेटर लाइन है ना, आप इधर चलते जाएंगे ना ठंड होती जाएगी, इधर जाएंगे गर्मी होगी, इधर जाएंगे ठंड होती जाएगी, वापस आएंगे
क्योंकि इस लाइन के ऊपर ना सूरज जा रहा है, सूरज यहीं पे घूम रहा है, जो इस लाइन के बराबर होगा करीब होगा वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को एक इक्वेटर लाइन के ऊपर पूरी दुनिया का टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है, किस मुल्क में कितना दर्जा हरारत है, इस लाइन के ऊपर पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल हम पढ़ते रहते हैं, हम एक पढ़ते रहते हैं जीएमटी, अक्सर आपने अपनी घड़ी में देखा होगा या आप सेट करते हैं तो जीएमटी प्लस 5 लिखा होता है, मतलब पाकिस्तान के जो टाइम है ना लंदन के टाइम से 5 घंटे आगे है। जीएमटी का मतलब है ग्रीन विच मीन टाइम, वो लंदन में एक हेडक्वार्टर है टाइम का जिसका नाम है जीएमटी, ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, जब आप इधर आते रहते हैं तो ये जब आप जम्मू मतलब माइनस होता जाता है, जब आप ऊपर जाते हैं तो माइनस होता जाता है। ठीक है, इसलिए जब यहाँ पे जीएमटी से हम आगे आएंगे 1, 2, 3 जब 5 रुपये आता है तो जीएमटी लाइन जो है पाकिस्तान के अंदर जीएमटी 5 लग जाता है। यानी अगर जैसे हमारे सामने जा रही है अपना वीडियो तो अच्छा अच्छा एक मिनट, तो प्रॉब्लम आ गई थी अभी सेट हो जाती है जी, अब आ रही है। अच्छा जी, जैसे जैसे हम जो है मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम जो है आगे चलते जाएंगे तो इक्वेटर लाइन के नज़दीक जाएंगे तो दर्जा हरारत क्या बन जाएगा, दर्जा हरारत जनाब बढ़ता जाएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं, मैं एक थोड़ा सा ना वो लगा लूँ। अच्छा जी चलें जी, ये बात दोनों लेने क्लियर हो गई, बात इक्वेटर लाइन का पता चल गया। एक हम कहते हैं जनाब जमीन का जो है सर्कमफ्रेंसेस या एंगल ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ अर्थ के बारे में आप जानते होंगे, एंगल ऑफ अर्थ कितने हैं, ए एन जी एन एंगल ऑफ कितना है भला टोटल, कितना 360 एंगल जो है ये कैसे है भला, ये जनाब जो लाइन है ना ये जीरो पे है, जीरो डिग्री पे होता है, ये भी जीरो डिग्री पे होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप यहाँ से इधर आते हैं तो 90 होता है, 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 तो 90 चार दफा हो गया, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अक्सर आपने ये पढ़ा था जनाब इक्वेटर लाइन के बाद प्राइम मेरिडियन लाइन के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा, आपने क्या करना है, आपने जनाब ऊपर जाना है और एक लाइन खींचनी है ऊपर, यहाँ पर लेकिन ऊपर कितना जाना है, आपने ऊपर जाना है जनाब 23.5 डिग्री जाना है, 23.5 डिग्री। इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन का तो नाम हमने रख दिया जनाब इक्वेटर लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी तरह अगर आप जनाब बिल्कुल सेम 23 डिग्री नीचे आ जाएंगे यहां पर, ये कितना है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को जनाब हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं भला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको पता चल गया, पेपर में सवाल जिस तरह मर्जी दे दे, अगर आपको ये मैप याद है तो आप कर लेंगे इजीली, को नहीं करेंगे जी, जनाब समझ आ गया नहीं आया, एनीवन जिस बंदे को समझ ना आया, ट्रॉपिक ऑफ कैप जी जी मैं बताता हूँ, इस ये जो हमारी जो इक्वेटर लाइन होती है ना ये जीरो लैटिट्यूड लाइन के ऊपर, ये जीरो डिग्री लाइन के ऊपर, यानी ये जो हमारे पास एंगल ऑफ अर्थ है ये 360 डिग्री पे है, तो 360 डिग्री में इसका जो आगाज होता है ना ये इक्वेटर लाइन होता है, ये जीरो डिग्री यहाँ पे है, इक्वेटर लाइन को जीरो डिग्री लाइन भी कहते हैं, तो जीरो डिग्री से आपने 23 ऊपर जाएंगे तो इक्वेटर लाइन आ जाती है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, इक्वेटर लाइन से नीचे आएंगे साउथ की जाने तो हमारे पास ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न आ जाता है। आप समझ आ गए जी जनाब,
आप समझ आ गए? जिस बंदे को अभी भी समझ नहीं है बता सकते हैं अभी। अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब। बात यह है अगर मैं एक चीज मिटा देता हूं यहां पर। जी जी बोले, आवाज क्या हो रही है? क्या हो रहा है? चले खैर कोई बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये जो पॉइंट है इधर पॉइंट लेकर इधर पॉइंट, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान की जगह को क्या कहेंगे? द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं भला? अगर किसी ने पढ़ा हो कभी, उसको हम कहते हैं जनाब दो नाम देते हैं, थोरेड जोन या ट्रॉपिकल। क्या कहेंगे इसको? इधर लिख लें, THORED, थोरेड जोन, या इसको कहते हैं जनाब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यहाँ पे दरमियान में क्या लिख लें? या कैसे होते हैं आर, यानी थोरेड जोन भी कहते हैं और ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। अब पेपर में सवाल क्या आ रहा है? ट्रॉपिकल जोन कहाँ पे है? द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर बात? अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपने ये जो मतलब है कि लेंथ है और विड्थ है ना, इसके ऊपर आपने रहना है और इससे आगे पीछे बाहर नहीं जाना। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास जनाब हम क्या करेंगे कि 23 डिग्री से ऊपर हम आगे जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम जनाब यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं। इधर कहाँ पे चले जाते हैं? 67.5। इधर फिर हम इधर भी आ जाते हैं, इधर भी कितने पे चले जाते हैं? 67.5 डिग्री। ठीक है, अब इस लाइन को क्या कहते हैं? एनीवन जिसको पता हो इस लाइन को भला क्या कहते हैं? आपको पता है कि जब हम और कोई एनी अदर बिल्कुल जनाब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो हमारे सामने जो ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम गला क्या कहते हैं? आपको पता है ना कि हमारे इसके अंदर जो है समंदर है, यहाँ पे एंटार्कटिक। समंदर का नाम क्या है? इसका नाम, ओशन का नाम है एंटार्कटिक। इस लाइन को हम गला क्या कहते हैं? ARCTIC आर्कटिक सर्कल। और इस साइड पे एंटार्कटिका है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटार्कटिक सर्कल, यानी वो आर्कटिक सर्कल है, इसको एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। वजह क्या है? यहाँ पे ओशन का नाम है आर्कटिक, इधर ओशन कॉन्टिनेंट का नाम है एंटार्कटिक। क्लियर बात? अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनाब यहाँ पे जब सफर करेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, इधर आएंगे तो ये 90 डिग्री। अब ये वाला एरिया क्या कराता है? इसको जनाब ये साउथ साइड है, तो हम क्या लिखेंगे? साउथ पोलर जोन, साउथ पोलर जोन। तो ये जनाब हमारे पास जो है ना साउथ पोलर जोन कहलाते हैं। ये कौन सी है भला? नॉर्थ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी भला? नॉर्थ पोलर जोन। जी जनाब, ऐसा बंदा जिसको अभी तक भी सवाल की समझ ना आई हो पूछ सकता है। अच्छा जी, एनीवन? जी जनाब आवाज आ रही है मेरी? ये बताइएगा जनाब आवाज आ रही है? Yes. जी बताइएगा जनाब ये सवाल की समझ आई हो अभी? अच्छा जी, अच्छा ये बताएं जनाब, ये जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इंटार्क सर्कल के दरमियान वाले एरिया को क्या कहते हैं?
जी आप देखें जनाब, हमारे सामने जो है इसका जो जवाब आता है, इसका जवाब आता है 111.6 किलोमीटर, ठीक है, ये जवाब वो 111 है टोटल, आपने 11 तक रखा। इसी तरह इसका जनाब 88 कुछ आ जाता है, ठीक है। तो जनाब ये क्लियर होगी बात। तो ये जनाब मैं अभी हमारी रिकॉर्डिंग जो है जब क्लास ख़त्म हुई तो उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे, मैं दोबारा यहाँ से लूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी जो है वो बंद हो गई थी, तो मैंने वहाँ से अब मुझे याद आया कि मैंने बटन ऑन करना। अब जनाब दोबारा मैं बल्कि वर्ल्ड मैप को ना पूरी तरह रिवाइज कर देता हूँ। इक्वेटर लाइन 0° लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन 0° पे होती है। इक्वेटर लाइन की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। इक्वेटर लाइन से अगर एंगल ऑफ अर्थ देखें तो वो 360° है। हम इक्वेटर लाइन से 23 ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा, और अगर हम इक्वेटर लाइन से साउथ की जाने 23.5° आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के दरमियान वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, थोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। हम जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 से ऊपर 67 तक जाते हैं, ये दरमियान वाला एरिया टेम्परेट दूर कहलाता है, और ये जो लाइन बन जाती है इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ तक ये जो 23.5 कुछ बन जाता है इसको हम नॉर्थ पोलर जोन कहते हैं, नॉर्थ पी फॉर पोलर जोन। इसी तरह हम इधर आ जाए 0° से इस साइड पे आएंगे साउथ की जाने 23.5°, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 67.5° पे आएंगे तो टेम्परेट दून, इधर भी टेम्परेट दून, इधर भी टेम्परेट, लेकिन फर्क क्या है कि ये जनाब साउथ टेम्परेट जोन है और ये जनाब नॉर्थ टेम्परेट, ठीक है। तो जनाब इसको क्या कहेंगे, इसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, और ये दरमियान वाला एरिया वो साउथ पोलर जोन, नॉर्थ पोलर जोन, साउथ पोलर जोन, क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं कि जनाब हमारे सामने लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड ऑफ लाइन जो होती है वो कैसी होती है, इधर आ गए। ये लैटिट्यूड लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हम अगर इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी हो तो डाइग्राम होता है इसका, ये जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं जनाब हॉरिजॉन्टल, और ये जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो ये जनाब देखें हमारे सामने क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड लाइन को भी कहते हैं, और ये जनाब इस लाइन को इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि 0° लाइन पर यह मौजूद है तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह सोई हुई है। तो लिहाजा ये जनाब इनका टोटल जो लाइन है वो 180 है। 1° लैटिट्यूड लाइन का आपस में एक लाइन का दूसरी लाइन का कितना फर्क है, 111 किलोमीटर या 69 मील, 69 माइल। लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ या वर्टिकल लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन या वर्टिकल लाइन टोटल 360 है, इनकी डायरेक्शन इस तरह होती है, ये उन्होंने जिस तरह बनाई है, ठीक है। और ये 1° लैटिट्यूड जो एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ फासला है, डिस्टेंस है, वो 88 किलोमीटर है। सरकमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ जो है जमीन का जो मुहित है वो 40,075 है, और 40,075 जनाब जो अलबरूनी था ना उसने मेरे ख्याल में 40,000 कुछ फाइंड आउट किया, 40,012। वो जब आया जहाँ पे अलबरूनी यहाँ पे आया था बाबर के ज़माने में, ठीक है, तो उसने जनाब यहाँ पे वो जो जहलम है, जहलम के अंदर एक लेबॉरेटरी भी मौजूद है अभी, तो वहाँ उन्होंने लेबॉरेटरी बना के ना इस ज़मीन का तजर्बा किया था। तो ज़मीन का जो मुहित है वो कितना है, 40,075। अगर आप 180 डिवाइड करेंगे तो ये फासला आ जाएगा जो मैंने अभी निकाला यहाँ पर, अगर इसके ऊपर 360 लाइन करेंगे ये वाली लाइनें तो 88 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनाब हमारा वर्ल्ड मैप आपका ख़त्म हो गया। अब आप मुझे ये बता दें कि हमने कौन सा, बल्कि हम छोड़ें, हम पढ़ेंगे जनाब नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, क्या पढ़ेंगे। अच्छा अगर हम इसको इकट्ठा बना दें, ये भी आपको दिखा दूँ आपको, ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, ये हमारे पास जनाब कंप्यूटर लाइन हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी लाइनें हैं, इनको हम कहते हैं जनाब लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, मान ली। इसी तरह हम बनाएंगे लॉन्गिट्यूड लाइन, और यहां पे आ गए ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जमीन का नक्शा ऐसे बना होता ना, तो ये जनाब इसके अंदर क्या हो गया, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड लाइन,
जी जनाब समझ आ गई नहीं आई? अब जनाब आप खुद बताएं कि आपको समझ आ गई है या नहीं आई। एनीवन किसी को समझ ना आई है तो अभी आप बोल सकते हैं। जी जनाब बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, ये 40,075 को 180 पे तकसीम करें, 111 नहीं आता, 222 सर आ रहा है, डबल 360 पे करें तो आता है 111। मोबाइल पे करके देख। क्या चीज 40,075 को तकसीम करें 180 पे तो 222 आता है, डबल 360 पे करें तो आता है 112 111। अच्छा चलो मैं इसको चेक कर लूँगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि ये उसके अंदर को थोड़े डिफरेंट ना हो। ठीक है, 1 डिग्री लेटीट्यूड 111 किलोमीटर आती है। अच्छा ठीक हो गया, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है। अच्छा मैं इसके जनाब पिक्चर बना लूँ, इसका मैं आपको चेक कर लेता हूँ। सर इस वीडियो का लिंक आप सेंड करेंगे सर? आप परेशान हो, हम रोजाना क्लास को रिकॉर्ड करेंगे, रोजाना उसकी VIP किस्म की पिक्चर बनाएंगे, और आप तमाम स्टूडेंट अपने लेक्चर को, PDF नोट्स को और स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल लैपटॉप के अंदर एक बना लें फोल्डर, उस फोल्डर में आपने स्क्रीन जो शॉट है उसका अलहदा फोल्डर बनाएँ, लेक्चर का अलहदा फोल्डर बनाएँ, और जनाब अपना PDF का अलहदा नोट वो अपने पास स्टोर रखना। लिंक जो हमारा लेक्चर होगा वो जस्ट आपके लिए वैलिड होगा, वो जब चाहें जिस दिन मर्जी चाहें जब चाहें पूरे साल वैलिड रहेगा, हम कभी डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है चलें जी आगे चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम जनाब पढ़ेंगे, क्या टाइम हो गया, 10:04 हो गए, चलें कल पढ़ेंगे जनाब। कल हमारा हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन प्रॉपर ये हमारी पहली क्लास हुई है, वर्ल्ड मैप ख़त्म हो गया। हम अब पहला कॉन्टीनेंट पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को तकरीबन 50-60% हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, मतलब उसके ऊपर मंडे वाले दिन हम अपने टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका टेस्ट का डाटा जो कल टेस्ट होगा और आपको लेक्चर स्क्रीन सारे आपको ग्रुप में मिल जाते हैं, कोई सवाल आपने पूछना हो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, आपको सवाल का जवाब घंटे बाद मिले, 2 घंटे बाद मिले, 3 घंटे बाद मिले, ज़रूर जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। जी जनाब जी जनाब कोई और सवाल आपके सामने आ रहा हूँ, है कोई क्वेश्चन?